राकेश कुमार तिवारी में अध्यक्ष बनने से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। उन्हीं के वजह से मिला ए मुकाम साकिब हुसैन। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में गेंदबाजी करते दिखेंगे बाहर के साकिब हुसैन। राकेश कुमार तिवारी में अध्यक्ष बनने से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। कम संसाधनों में भी यहां के बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा है। बिहार में प्रतिभावान खिलाड़ियों की तरक्की में अब पैसा रोड़ा नहीं बनेगा। उक्त बातें बिहार में तेज गेंदबाज साकिब हुसैन ने पटना में BCA की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता सम्मेलन में कही। बिहार के साकिब IPL में KKR की तरफ से फास्ट गेंदबाज के रूप में दिखेंगे। शुक्रवार को BCA बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता सम्मेलन में BCA के CEO मनीष राज, GM क्रिकेट ऑपरेशन सुनील कुमार और फास्ट बॉलर साकिब हुसैन ने मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में साकिब हुसैन ने कहा कि BCA के चेयरमैन राकेश तिवारी के सहयोग से मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं। अपने क्रिकेट के सफ़र के बारे में बताया कि कैसे वे अत्यंत ही साधारण परिवार में होते हुए भी आज एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परफॉर्मेंस करेंगे। अपने शहर गोपालगंज में क्रिकेट खेला करते थे। एक बार राकेश सर का गोपालगंज आए हुए थे और मुझे खेलते देखा और मेरे खेल की तारीफ़ की। उनसे मिलने पर उन्होंने मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाया और बोले, तुझ में काफ़ी प्रतिभा है, तुम खेल पर ध्यान दो, पैसे का अभाव तुम्हारे करियर में बाधा नहीं बनेगा। तब से लेकर आज तक उन्होंने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया और अच्छा करने के लिए हमेशा मुझे प्रेरित किया। आज मैं जहां पहुंचा हूं, इसके सर राकेश सर जी का बड़ा योगदान है। उनके सहयोग से ही मैं एक छोटे शहर से लेकर IPL जैसे प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंच पाया हूं। साकिब आगे कहते हुए, मेरा बिहार के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों से कहना है कि पूरे मनोयोग से खेले और अपना ध्यान खेल पर ही बनाए रखे। प्रतिभागियों कभी छुपती नहीं है और एक ही दिन उसकी पहचान होकर रहती है। जिस तरह से मैं श्रम को BCA ने पहचाना है और विभिन्न स्तर पर मुझे खेलने का अवसर दिया है, उसी तरह अन्य खिलाड़ियों को भी प्रसन्न प्रतिभा का BCA के द्वारा पहचान एवं सहयोग मिलेगा। साकिब ने आगे बताया कि राकेश तिवारी सर के अध्यक्ष बनने के बाद सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार में क्रिकेट का खूब विस्तार हुआ है, जिसका परिणाम साकिब उल गनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव श्रीवास्तव का भारतीय टीम का चयन होना और मेरा IPL में चयन होना एक उदाहरण है। साकिब ने आगे बताया कि एक बार मैं खेल के दौरान घायल हो गया था, जिससे इंजरी होने के बाद राकेश सर ने खर्चे से मेरा इलाज करवाया और आगे कभी भी पैसे का अभाव नहीं होने दिया। मेरा चयन NCA के कैंपस के लिए BCA द्वारा किया गया। इसके पश्चात मुझे हाई परफॉर्मेंस कैंपस में लिया गया, जिससे मेरे खेल में काफ़ी सुधार हुआ। गोपालगंज के गरीब परिवार से जन्मे साकिब आज बिहार के कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उपलक्ष में आप लोगों को बुलाया गया है और आप लोग इससे जुड़े सारे सवाल कर सकते हैं और आज हम चाहेंगे कि जो साकिब हुसैन है, थैंक यू सीओ सर, वेलकम सर, आपका बच्चा बड़े स्टेज पे जाए और नाम करे। BCA का भी आपका भी गोपालगंज का सिलेक्शन हुआ है और तीन चार और लड़के भी IPL रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना गर्व का मोमेंट है BCA के लिए और आगे BCA और क्या करेगा कि और प्लेयर IPL में सिलेक्ट हो? देखिए, ये सिर्फ BCA की बात नहीं है, ये पूरे बिहार को गौरवान्वित होने की बात है। जो लास्ट गत वर्षों में हम लोगों ने मेहनत किया है, उसका सारा श्रेय कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को जाता है, हमारे अध्यक्ष जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सीमित संसाधनों के साथ में बहुत सारा काम किया है। उसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, जैसा अभी बताया गया था, साकिब उल गनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हमारे यहाँ सूर्यवंशम जो है सो इंडियन टीम में है। लास्ट ईयर हम लोग जो रणजी ट्रॉफी है उसके चैंपियन बने और हम लोग उस समय प्लेट में थे, आज एलीट ग्रुप में खेल रहे हैं, जिसका बेनिफिट यहाँ के प्लेयर्स को मिलने वाला है। अभी जो हमारा मैच है रणजी का, जिसमें इंडियन प्लेयर्स भी पटना आ रहे हैं खेलने के लिए मुंबई टीम से, तो जितना ज़्यादा मैचेस होगा उतना बेहतर होगा। और हमारे यहाँ जो अभी सिस्टम चल रहा है, हमारे GM क्रिकेट ऑपरेशन है, हमारे GM एडमिन है, हर लोगों का मेहनत, मार्गदर्शन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का है, हमारे अध्यक्ष जी का है, उसका एग्जीक्यूशन परफेक्टली हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सारा बेनिफिट बच्चों को मिले। ये एसोसिएशन प्लेयर्स के एसोसिएशन है, तो प्लेयर्स के बेनिफिट के लिए हम लोग हर तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारा रोड मैप है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। संसाधनों की कमी हमें हमेशा
कभी कभी रोक देती है चीज़ों को करने से, बट मेरा ये मानना है कि आने वाला समय बिहार के लिए बहुत भरोसाली रहेगा। उम्मीद है सर अगले ऑप्शन में और साकिब जैसे लड़के आईपीएल में सिलेक्टेड होंगे? देखिए हम लोगों की कोशिश ये रही है कि हम लोग डोमेस्टिक मैचेस को मैक्सिमम कर सकें। हमारे पास में स्टेडियम के अभाव है, हम लोगों ने कोशिश भी किया है, बीसीसीआई में बात हुई है स्टेडियम बनाने के लिए, और जिस तरह से बीसीसीआई का सपोर्ट हमारे साथ में है और प्लेयर्स के अंदर जितनी प्रतिभा है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा तादाद में हमारे बिहार के प्लेयर्स होंगे। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, प्लेयर्स हैं, जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं, जिसमें मुकेश जी हैं, विपिन और भी लोग हैं, ईशान भी हैं, अभी जो आपका झारखंड से जिनका सिलेक्शन हुआ वो जो है दरभंगा से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो शायद हमारे आजू बाजू में बाकी स्टेट्स नहीं आ पाएंगे। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। मैचेस को कंडक्ट कराने को लेकर आईपीएल से और बीसीसीआई से कोई बात हुई है कि बिहार में भी गेमों को कराया जाए? देखिए ऑलरेडी हम लोगों का जो रोड मैप है उसमें बीसीएल हर साल हम लोगों का होना होता है, बीसीएल की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। उसके अंदर में क्या होता है कि हमारा जो है बीसीसीआई का डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, साथ में आईपीएल का भी फॉर्मेट आ रहा है, उसके बीच का जो गैप होता है उसमें बीसीएल करवाने की हमारी कोशिश है। हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें परमिशन मिल जाएगी और हम लोग जो है सो बीसीएल को करवाएंगे, जिससे नई प्रतिभा लोग जो हैं उनको देखने का मौका मिले। विपिन सौरभ ये बीसीएल का देन है, बीसीएल में जो है उन्होंने परफॉर्मेंस जो किया और आज के दिन में उनका भी ऑप्शन लिस्ट में नाम था, ठीक है नहीं हो पाया, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। कार्यप्रणाली को लेकर एक सवाल उठा रहे हैं, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि पैसे लेकर गए हैं प्लेयर को, क्या लगातार आरोप लगते हैं? देखिए आपने एक आदमी का नाम लिया आदित्य वर्मा जी का, और भी बहुत सारे लोगों का नाम है। राजनीति के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा विषय वस्तु नहीं है। हमारा विषय वस्तु है कि जो चीज़ें यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से माध्यम से हैं उसका एग्जीक्यूट करना है। और मैं आपको एक चीज़ का भरोसा दे सकता हूँ कि जो बीसीसीआई का नॉर्म्स है उसके अनुसार जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन को बीसीसीआई के भेजा जाता है और बीसीसीआई उसको ड्यू डिलीजेंस करता है, और ड्यू डिलीजेंस करने के बाद उसकी जो है सो परमिशन हमें दी जाती है, तभी वो बच्चा जो है सो हमारे यहाँ से खेलता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में और बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है कि अगर कोई बच्चा गलत करता है उसका पनिशमेंट क्या है, बहुतों के अगेंस्ट में हम लोगों ने जो है सो कार्रवाई भी की है, बहुत सारे लड़कों को बैन किया है। जैसे ही हमारे पास जानकारी आती है हमारे पास एंटी करप्शन यूनिट है जिसमें हमारे जीएम जो हैं ये खुफिया विभाग से हैं, गृह मंत्रालय से हैं, वो लोगों का जो है सो सारा चीज़ जो है सो काम करता है और सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग गैदर करते हैं, समय लगता है बट उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। नहीं ऑलरेडी देखिए हमारे यहाँ जो बहुत सारे विवाद रहे हैं उसके ऊपर भी बीसीसीआई की कमेटी यहाँ पे आई थी, जिसमें यहाँ पे लीगल हेड थे, फिनांस हेड थे और बीसीसीआई के पदाधिकारी थे, उन लोगों ने सारे लोगों का बात सुना है। जो आप लोगों का कहना है कि ये आरोप और वो आरोप है तो मैं उसके बारे में सिर्फ दो ही लाइन बताना चाहूँगा, उन्होंने सारे लोगों का बातों को सुना और सुनने के बाद हमारे क्रियाकलापों से संतुष्ट होते हुए उन्होंने हमारी राशि को दी, और वो राशि सिर्फ एक बार नहीं दी गई, उसके बाद जो नियम है कि उसका इन्फ्लेशन रिपोर्ट ऑडिटेड इन्फ्लेशन रिपोर्ट बीसीसीआई को जाता है जिसके ऊपर में वो लोग रिव्यू करते हैं और फिर फर्दर फंड रिलीज करते हैं, फिर हमारे को फर्दर जो है सो फंड जो है सो रिलीज किया गया है। तो हमारी कार्यप्रणाली से और हमारे काम करने से कहीं पर भी बीसीसीआई को कोई परेशानी नहीं है। ये बाकी जो लोगों का आरोप है ये राजनीति से प्रेरित है या किस चीज़ से है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता।